नमस्कार YouTube चैनल एन यूनिवर्स डबल टू में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जेट पंप के बारे में। जेट पंप की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके डायग्राम को देख लेते हैं और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं यह जान लेते हैं। जेट पंप में सबसे मेन कंपोनेंट इसका पंप होता है, जो एक रेडियल फ्लो पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। वहाँ से एक डिलीवरी पाइप से वाटर को सप्लाई किया जाता है और बोरवेल में जेट पंप को इंस्टॉल किया जाता है। यह जेट पंप की इंजेक्टर असेंबली है, जिसे मिक्सिंग जोन भी कहते हैं। और उसके बाद डिलीवरी पाइप से एक अलग से पाइप लगा दिया जाता है और उसके एंड पर एक नोजल लगा होता है। और यहाँ देखें कि यहाँ बॉटम में स्ट्रेनर और उसके बाद फुट वाल्व लगा होता है। जो स्ट्रेनर है उसका काम होता है कि जो सक्शन पाइप होती है, यह इसके बॉटम में लगा है। स्ट्रेनर का काम होता है कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल या फिर डेब्रिस की एंट्री पाइप में ना हो। तो कह सकते हैं कि डेब्रिस को एंट्री को पाइप में जाने से रोकने के लिए स्ट्रेनर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो फुट वाल्व लगा है, यह वन वे वाल्व होता है। जिस समय पंप रनिंग कंडीशन में होता है, उस समय सक्शन क्रिएट होने के कारण वाटर पाइप में वाटर का कॉन्स्टेंट कॉलम एग्जिस्ट करता है। और जब पंप को बंद कर देते हैं, उस दौरान सक्शन क्रिएट नहीं होता, जिससे ग्रेविटी के कारण वाटर कॉलम कोलैप्स हो जाता है और पानी का रिवर्स फ्लो होता है सम्प की तरफ या सोर्स की तरफ, जहाँ से हम पानी को लिफ्ट करते हैं। अलग पानी वापस सम्प में चला जाए, अगर कह सकते हैं कि रिवर्स फ्लो के कारण अगर वाटर वापस सोर्स या सम्प में चला जाए, तो उस दौरान क्या होगा कि जो सक्शन पाइप होती है उसमें एयर भर जाती है, जिससे जब पंप स्टार्ट करेंगे तो पाइप में हवा भरे होने के कारण वाटर सक नहीं होगा और वाटर पंप मोटर ड्राई रन के लिए डिज़ाइन नहीं होती। अगर पाइप में एयर भरी है और ज़्यादा टाइम तक वाटर पंप मोटर चला दी जाए, तो वाटर पंप मोटर डैमेज हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए फुट वाल्व का प्रयोग करते हैं, जो वाटर के रिवर्स फ्लो को रोकता है जब पंप बंद होता है, जिससे पाइप में वाटर कॉलम मेंटेन रहता है। तो उसके बाद बात करें कि जो जेट पंप है, इसकी मदद से जो सक्शन लिफ्ट होती है उसको बढ़ाया जाता है नॉर्मल लिमिट से, जो अधिक होती है। वाटर हेड की नॉर्मल लिमिट 8 मीटर के करीब होती है और इस जेट असेंबली के प्रयोग करने से 8 मीटर के करीब की नॉर्मल लिमिट को 60 मीटर तक की सक्शन लिफ्ट तक बढ़ाना संभव हो जाता है। अब बात करते हैं जेट पंप कैसे कार्य करता है। तो जैसा कि पहले बताया था कि जेट पंप बोरवेल में इंस्टॉल्ड है, तो इससे जेट पंप की जो सक्शन साइड है वह पूरी तरह से पानी से भरी हुई है। अगर हम देखें इस बोरवेल में जो वाटर लेवल है वो यहाँ तक है और ये जो पूरा जो असेंबली है ये पूरी तरह से पानी में सबमर्ज्ड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पंप है इसको स्टार्ट करते हैं और इस सेंट्रीफ्यूगल पंप की मदद से जो हाई प्रेशर वाटर डिलीवरी वाल्व डिलीवरी पाइप में फ्लो करता है, इसके बाद डिलीवरी पाइप से इस पर्टिकुलर पाइप के माध्यम से क्या करेंगे, जो वाटर हम वापस हाई प्रेशर वाटर को सक्शन जो जेट नोजल है यहाँ से गुजारा जाता है, यह नोजल है। तो इस हाई प्रेशर वाटर को जो हमने डिलीवरी पाइप से लिया है यहाँ से फ्लो करते हैं उसका। तो जैसे ही हाई प्रेशर वाटर स्ट्रीम इस नोजल के थ्रू फ्लो करती है, उसी दौरान वाटर में मौजूद प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और कह सकते हैं इस दौरान प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है वाटर का। इस प्रेशर ड्रॉप होने के कारण इस इंजेक्टर असेंबली, जिसे मिक्सिंग जोन भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि सक्शन क्रिएट हो जाता है। और सक्शन क्रिएट हो जाने से क्या होगा कि बोरवेल से स्ट्रेनर और फुट वाल्व से होते हुए पानी को सक किया जाता है और इस प्रकार सम्प से लो प्रेशर वाटर को लार्ज क्वांटिटी में सक किया जाता है। और इस मिक्सिंग जोन में जब अलग अलग वेलोसिटी से आने वाली वाटर स्ट्रीम आपस में मिक्स होती हैं, जिससे मिक्सिंग जोन में वाटर स्ट्रीम का कुछ प्रेशर कह सकते हैं कि इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। अगर हम इस डायग्राम को देखें कि जो मिक्सिंग जोन या इंजेक्टर असेंबली के बाद
एक डाइवर्जिंग सेक्शन लगा है जो हमें वाइट कलर का नज़र आ रहा है, जिसे हम थ्रोट भी कहते हैं। जब यहाँ से वाटर स्ट्रीम को गुजरना पड़ता है तो जैसे ही पानी यहाँ से या इस डाइवर्जिंग सेक्शन के थ्रू फ्लो करता है, उसी दौरान वाटर स्ट्रीम को थोड़ा और प्रेशर उसका बढ़ जाता है वेलोसिटी में कमी आने के कारण, और कह सकते हैं कि उसके बाद फिर वाटर फिर यहाँ से पंप से होता हुआ डिलीवरी पाइप से सप्लाई किया जाता है। तो इस प्रकार से जो जेट पंप है वह कार्य करता है। जेट पंप की जो एफिशिएंसी है बहुत कम होती है, तकरीबन 25% के आसपास। जेट पंप में जो मेजर लॉस होते हैं वह इस मिक्सिंग जोन में ही होते हैं। अब बात करते हैं कि जेट पंप की जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या क्या हैं। जेट पंप को जो खुदाई कार्य करते हैं, खुदाई कार्य करते समय खाई में जो मडी वाटर होता है उसको निकालने के लिए भी जेट पंप की मदद ली जाती है। स्मॉल बोर के वेल से भी पानी को लिफ्ट करने के लिए जेट पंप का इस्तेमाल किया जाता है, और माइनिंग या खनन के दौरान ऑयल पंपिंग करने के लिए भी जेट पंप प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने बात की जेट पंप के बारे में, यह कैसे कार्य करता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और N-Universe22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।